Hey you guys, welcome back to my channel Slay with Makeup and welcome back to another video. If anyone is new to my channel, then hi, my name is Janvi. I make videos on skincare, haircare, makeup vlogs and much more. If you guys are interested in watching my videos, then do like, share and subscribe to my channel and press the bell icon. So aaj ke video mein main ek bahut hi different cheez karne wali hu. So main kuch products ko rate karne wali hu जो एक पर्टिकुलर ब्रांड को बिलोंग करते हैं. सो ये मैंने खुद से एक नई ट्राई की है. सो आई डोंट नो ये कैसा वर्क करेगा. सो आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ रेट मेबलिन के प्रोडक्ट्स को, जितने भी मैं ओन करती हूँ. सो मेरे वैनिटी में जितने भी मेबलिन के प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने सब कुछ निकाल दिया. सब अलग अलग कैटेगरी के, कोई हाईलाइटर है, फाउंडेशन है, कंसीलर है, सब चीज़ को मैं एक एक करके रेट करने वाली हूँ ऑफ 10 कि वो कितना अच्छा परफॉर्म किए, कैसे वर्क करते हैं, क्या है क्या नहीं. मैं सब कुछ इन डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो जानने के लिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. ओके, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेस प्रोडक्ट से. सो यहाँ पे मेरे पास है दो मेबलिन के फाउंडेशंस. सो ये है मेबलिन ड्रीम सैटिन स्किन SPF 24 फाउंडेशन विच लुक्स समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज द मेबलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन जो कि एवरग्रीन फाउंडेशन है. बहुत सालों से दोनों मार्केट में है बट फिट मी काफ़ी ज़्यादा फेमस है जिसने आप लोगों ने सुना होगा. तो दोनों में से मैंने दोनों ही मतलब ये मैंने पहले लिया था. मतलब आई थिंक अपने इनिशियल डेज में मैंने ये वाला फाउंडेशन लिया था एंड ये भी मेरे को लेके कुछ 3 इयर्स हो चुके हैं. एंड आउट ऑफ दिस वन आई विल बी रेटिंग अ 5/10 बिकॉज मुझे ये फाउंडेशन इतना पसंद भी नहीं आया है. ऊपर से ये मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा केकी लगता है. मैंने भले कितना भी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड किया ऐसा लग रहा है रियलिस्टिक नहीं लगता है, बिल्कुल ही फेक लगता है. बट ये वाला फाउंडेशन बहुत ज़्यादा सही लगता है मेरे फेस पे, बिल्कुल मेरे स्किन टोन का है ये. आई एम इन द शेड 320 नेचुरल टैन. दिस इज माई शेड, दिस इज परफेक्टली, दिस मैचेज माई स्किन टोन. सो आई गिव दिस अ 9/10 क्योंकि ये मैट भी है, पोरलेस भी है, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होता है. एक पॉइंट मैं इसलिए कट करी क्योंकि ये फुल कवरेज नहीं है. आपको थोड़ा मतलब मीडियम टू हाई कवरेज, बट आपको एक और एक बार थोड़ा सा ब्लेंड करना पड़ेगा अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो. बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सस्ता है, आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगा. सो या बहुत 500 के अंदर अंदर है, अफोर्डेबल भी है. बट इसकी तो रेट भी बहुत ज़्यादा है लेकिन इतनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छी भी नहीं है. सो दिस आई गिव अ 5/10 एंड दिस आई गिव अ 9/10. सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंसीलर्स की. तो कंसीलर्स में मेरे पास दो कंसीलर है. एक है मेबलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर विच लुक समथिंग लाइक दिस एंड द नेक्स्ट वन इज मेबलिन फिट मी फाउंडेशन, आई मीन फिट मी कंसीलर. सो दिस लुक समथिंग लाइक दिस. इसमें आई एम इन द शेड 20 सैंड सेबल एंड एंड दिस आई एम इन द शेड 144 कैरामिल. सो इस वाले कंसीलर को मैं देना चाहूँगी 10/10 बिकॉज ये तो मेरा परफेक्ट शेड है. दूसरा ये है कि इंस्टेंटली जितनी भी डार्कनेस है सब कुछ ये कवर कर देता है एक ही झटके में, तो काफ़ी मज़ा आ जाता है. बट ये जल्दी ख़त्म हो जाता है, मतलब आपको इसे रिट्रैक्ट ऐसे पेंसिल की तरह रिट्रैक्ट करके यूज़ करना है. तो ये मेरा फेवरेट होता है. मतलब ऑफिस जब मैं जाती थी एक टाइम पे प्री कोविड, तो मैं अपने पूरे फेस पे सिर्फ ये जहाँ जहाँ पे डार्क स्पॉट्स होते वहाँ पे लगा के चली जाती थी. तो ये मेरे पूरे फेस को इवन कर देता था तो मुझे वह ज़्यादा अच्छा लगता था. सो दिस वॉज ऑलवेज माई फेवरेट कंसीलर एंड दिस विल बी. इसको मैं देना चाहूँगी 8/10 बिकॉज यू नो ये थोड़ा ड्राई जल्दी हो जाता है. ये वैसे भी मैं एक हाईलाइटिंग कंसीलर की तरह यूज़ करती हूँ. ये मेरे स्किन टोन का नहीं है, थोड़ा सा मेरे स्किन टोन से लाइट है तो मैं अपने अंडर आइज को हाईलाइट करने के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ. एंड इसको हमें धीरे फटाफट ब्लेंड करना पड़ता है, यहाँ लगा के यहाँ ब्लेंड, यहाँ लगा के यहाँ ब्लेंड. तो हर जगह लगा के फिर आप ब्लेंड करोगे तो ड्राई हो जाता है एंड ब्लेंड करने में मुश्किल हो जाता है. तो उसके लिए मैं 2 पॉइंट कट कर रही हूँ. बट दिस वन इज़ माई फेवरेट. आप आराम से आँख बंद करके ट्राई कर सकते हो अपने शेड में. इसमें भी आई थिंक आपको 7 से 8 शेड आराम से मिल जाएगा. सो नेक्स्ट अप आई हैव दिस पाउडर. सो दिस इज द मेबलिन का फिट मी वाला लूज पाउडर.
इसमें आई एम इन द शेड 25 मीडियम. सो दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट पाउडर्स आई हैव एवर सीन. इसको मैं टोटल 10/10 देना चाहूंगी क्योंकि इतना अमेजिंग पाउडर है यार, मैं क्या बताऊँ. मतलब ये आपको इंस्टेंटली मैट कर देता है, आपका कोई भी कंसीलर कुछ भी क्रीज नहीं होगा. अंडर आइज पे आप लगाओगे तो आपको इतना अच्छा लेयर भी देता है ना, ये आपको लगे एकदम मेरा मतलब कहाँ गया, इतना सीमलेस लगता है ना. ये आप यूज़ करोगे तभी पता चलेगा, काफ़ी टाइम तक आ जाएगा. मेरे को भी लेके 3 महीने हो गए, अभी तक थोड़ा सा भी मैं यूज़ नहीं कर पाई. सो ये आप डेफिनेटली थम्स अप आप ले सकते हो. बहुत सही वाला फाउंडेशन है, सॉरी पाउडर है. सो डेफिनेटली आप ब्राइड हो, आप फंक्शंस के लिए लेना चाहते हो, आप मेकअप आर्टिस्ट भी ट्राई कर सकते हो, ये वाला बहुत सही. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई हैव इज व्हाट टू से आईलाइनर. सो दिस इज द मेबलिन का कोलोसल आईलाइनर विच लुक समथिंग लाइक दिस. सो ये बहुत ही काफ़ी जेड ब्लैक वाला लाइनर है. इसकी टिप भी आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है. तो काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, पॉइंटेड लाइनर लगा सकते हो. मैंने आज भी इसी से आईलाइन किया हुआ है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, ख़राब नहीं लग रहा है. सो यू कैन डेफिनेटली गिव दिस वन ऑल्सो अ ट्राई, दिस इज लिटरली अमेजिंग. मेरे पास इकलौता लाइनर है इस वक्त, मैंने कोई और लाइनर नहीं मंगवाया है क्योंकि मैं इससे इतनी ज़्यादा खुश हूँ. सो आई वुड गिव दिस अ 10/10. अच्छे से जल्दी से ड्राई भी हो जाता है, पॉइंटर टिप है, जेड ब्लैक है. पिछले 6 महीने से मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है. सो या आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड एंड मैं इसको वापस रीपर्चेज ज़रूर करना चाहूँगी. सो आईज की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट अप आई हैव दिस मस्कारा एंड ऑल्सो दिस मस्कारा. आई हैव 2 mascaras. सो दिस इज दी मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा. दिस इज दी आई थिंक सबसे अफोर्डेबल मस्काराज में से एक है मेबलिन का. एंड दिस इज दी मेबलिन का द लैश सेंसेशनल मस्कारा. सो मस्काराज में जो है ना, लैश सेंसेशनल मेरा सबसे पहला मस्कारा जो मैंने सबसे पहले लिया था एंड काफ़ी अच्छे से कर्ल कर देता है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी देता है. एंड ये भी सेम है बट ये 500 में मिल जाएगा आपको, ये 300 के अंदर मिल जाएगा. तो आप दोनों ट्राई कर सकते हो. ये वाला जो मेरा मस्कारा है ख़त्म हो गया है, मैं वापस रीपर्चेज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मस्काराज है. इस वक्त मार्स का है फिर मेरा फेवरेट है, ये वाला है मेरे पास एसेंस का है. तो वो सब ख़त्म हो जाए तो ही मैं नया मस्कारा लाने का ट्राई कर रही हूँ. तो इसलिए फिलहाल मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ. बट मुझे दोनों ज़्यादा पसंद, काफ़ी ज़्यादा पसंद है. दिस वन आई वुड रेट 9/10 एंड दिस वन आई वुड रेट 9/10. प्रिटी गुड मस्काराज, जो रेट है उस हिसाब से दोनों गुड है. तो आप मेबलिन का तो आप कोई भी मस्कारा ट्राई कर सकते हो, सारे के सारे अमेजिंग होते हैं. उनका एक येलो कलर का मस्कारा है, हाइपर वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा है जिसका रेड कलर का कैप है, तो वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. सो या दिस इज़ द नेक्स्ट वन. सो उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी अपना सबसे फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज आइटम्स विच इज़ दी हाईलाइटर. सो आई हैव दी मेबलिन का द मास्टर क्रोम हाईलाइटर. सो इस हाईलाइटर को मैं 100/10 देना चाहूँगी, ये उतना अमेजिंग हाईलाइटर है. तो मैं इसकी क्या ही बात करूँ, बहुत सुपर हाईलाइटर है. सो ये आई थिंक मोल्टन गोल्ड है इसका शेड, 100 मोल्टन गोल्ड. एंड इतना अमेजिंग है ना आपके, मतलब क्या बोलूँ मैं यार, ब्राइड्स को भी मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, उतना सही वाला हाईलाइटर है ये. एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, 320 के आसपास आपको मिल जाएगा. तो मैं हर आए दिन यही हाईलाइटर लगाती हूँ, बट आज मैंने दूसरा मैंने फेसेस का लगाया है. बट ये मेरा सबसे फेवरेट हाईलाइटर है, नॉट ओनली इन मेबलिन, मैंने जितने हाईलाइटर्स मेरे पास ये सबसे मेरा फेवरेट है. बहुत अमेजिंग है, बिल्कुल भी चंकी नहीं है. सो आई गिव दिस 10/10. 10 से भी ऊपर का अगर कोई नंबर होगा तो मैं इसके लिए देना चाहूंगी. सो डेफिनेटली यू गाइस कैन ट्राई दिस हाईलाइटर. सो द नेक्स्ट अप आई हैव इज एन आईब्रो पेंसिल. सो दिस इज दी मेबलिन फैशन ब्रॉ पेंसिल इन द शेड डार्क ग्रे विच लुक समथिंग लाइक दिस. सो ये बहुत ही बटरी क्रीमी सॉफ्ट पेंसिल है, बहुत ज़्यादा क्रीमी है, देख सकते हो. तो बहुत ज़्यादा लाइट है तो आपके जो आईब्रोज है बिल्कुल भी बनावटी नहीं लगे, एकदम मक्खन की तरह फैल जाता है, आप आराम से लगा सकते हो. बट मैं कहूँगी समर्स के टाइम पे आप क्रीम प्रोडक्ट ज़्यादा मत लगाओ क्योंकि मेल्ट हो जाता है. तो अभी समर्स है तो इसके लिए मैंने पाउडर प्रोडक्ट से लगाया हुआ है, नहीं तो यूजुअली मैं विंटर्स में इसको लगाती हूँ. आप देख सकते हो शार्प कर करके इतनी सी हो गई है पेंसिल, इतनी बड़ी आती है. तो बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट है, पर इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि स्पूली नहीं है. सो उस बेसिस पे आई विल गिव दिस एन 8/10. स्पूली होता तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता,
बट ठीक है, आप शार्प करके भी यूज कर सकते हो. सो दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, दिस इज अ ब्लश ऑन. सो दिस इज द मेबलिन का फिट मी ब्लश ऑन. आई एम इन द शेड, क्या शेड है मेरा, आई एम इन द शेड पिंक. सो इट्स रिटन एज पिंक. सो ये भी एक मैट ब्लश है, बहुत क्यूट है, छोटू सा है. ये भी ज्यादा पिगमेंटेड नहीं है, तो इसलिए आप आराम से जो है ब्लश को आप नो ज्यादा धीरे धीरे करके लगा सकते हो. जो ब्लश हाईली पिगमेंटेड होता है ना, अगर एक साथ आप लगा दोगे ना तो एकदम जोकर की तरह लगोगे, जिनके दो यहाँ पे है. सो ब्लशेस का पिगमेंटेशन कम होना ही अच्छा है, तो जितनी होनी चाहिए उतनी है. सो दिस इज वेरी नाइस. इसमें भी आपको 3 से 4 शेड में आपको अवेलेबल हो जाता है. मैंने ये वाला चूज किया है. आप कोरल शेड भी इसमें मिल जाएगा, आराम से ले सकते हो. ये भी बहुत सस्ता है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है. तो फिटमी वाला रेंज जो मुझे मेबलिन में काफी पसंद है. इसके बाद जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो फिलहाल मेरे पास नहीं है, मुझे मिल नहीं रहा है कि किधर है, बट वो मेरे पास है. आपने मेरे काफी वीडियोस में देखा होगा, वो है मेबलिन का द न्यूड्स पैलेट. उसकी मैं फोटो साइड में इंसर्ट कर दूंगी. सो वो मेरा सबसे पहला आई शेडो पैलेट था, मतलब हाई एंड वाले में. वो 700 रुपए का था जब मैंने लिया था. एंड अभी तक मैं कितने सारे प्रोडक्ट्स उसमें, कितने सारे आई शेडोज में खत्म कर चुकी हूँ. जो ग्रे कलर का शेड है उसको मैं अपने आईब्रोज के लिए लगाती हूँ एंड उसको मैं ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी हूँ. जो ब्राउन कलर है, गोल्डन है, बहुत सही पैलेट है, बहुत वर्सेटाइल है. बेसिक चीजें आप हाईलाइट कर सकते हो, ब्राउन्स मतलब कॉन्टोर कर सकते हो, आईब्रोज कर सकते हो, स्मोकी आईज, ग्लिटर आईज, सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हो. सो दिस इज लाइक अ वर्सेटाइल पैलेट और उसकी पिगमेंटेशन भी अच्छी है. सो आई वुड गिव दैट 9/10. थोड़ी सी चौकी, मतलब थोड़ी सी पाउडरी है, थोड़ा आपको डस्ट ऑफ करके लगाना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं 1 mark कट कर रही हूँ. बाकी बहुत ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट. सो द लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट इज दिस मेबलिन का बेबी लिप्स, विच लुक समथिंग लाइक दिस. ये आई थिंक मेरा सबसे पहला वाला लिप बाम होगा. अभी तो मेरा करंट फेवरेट निविया है, बट उससे पहले जब ये ट्रेंड पे था ना, मैं ये वाला लगाती थी. सो दिस इज लाइक अ हिंट ऑफ कलर, यू कैन सी थोड़ा सा कलर है. तो अभी भी मैं इसे यूज करती हूँ कभी कभार, लाइक मुझे अगर कोई टिंटेड लिप बाम चाहिए होता है तो, वरना मैं 90% निविया ही यूज करती हूँ. और निविया यूज करने के बाद ये मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक लगा. सो आई वुड गिव दिस अ 7/10 बिकॉज ये उतना अच्छे से प्लम्प नहीं करता है मेरे लिप्स को जितना अच्छे से निविया कर देता है. सो दैट इज दिस. सो यही थे कुछ मेबलिन के प्रोडक्ट जो मैंने रेट किया है 10/10. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं इसका पार्ट 2 बना सकती हूँ और किसी ब्रांड के ऊपर, मतलब जो जो ब्रांड मेरे पास है उसको मैं रेट करूँ प्रोडक्ट्स को और बता सकूँ कि कौन सी चीज़ कितना अच्छे से वर्क करती है. सो अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 दूसरे ब्रांड के साथ बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ज़रूर बनाऊँगी. एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा. वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, हैंडल स्क्रीन पर दिख जाएंगे और लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे होंगे. और मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ. अंटिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लविंग माय वीडियोस.